राजकुमार के शरीर पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं। जख्मों के आसपास का हिस्सा काला पड़ चुका है। मृतक राजकुमार की बहन उमा देवी का आरोप है कि उसके भाई को पुलिस ने पीटकर मार डाला है। परिवार वाले चोट के निशान दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको वो जख्म नहीं दिखा सकते। वजह है सोशल मीडिया की अपनी गाइडलाइंस। लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत में जख्मों का ब्यौरा दिया, वह सुनकर आप हालात का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस घटना की जो तस्वीर लकीरों से उतार रही है, वह मृतक के परिवार वालों के आरोपों से एकदम उलट है। लेकिन कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये बात जाँच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, यह समझना बेहद ज़रूरी है। परिवार वालों और पुलिस के मुताबिक राजकुमार के साथ क्या हुआ था, किस मामले में राजकुमार से पूछताछ की जा रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है, चलिए सब कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एएसपी हैं असीम चौधरी। राजकुमार की मौत का मामला जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगा तो उन्हें सफाई देनी पड़ी। बताना पड़ा कि जालौन के आला अफसर ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं। दो लोगों को लाइन हाजिर भी किया गया है, लेकिन इससे पहले का दावा राजकुमार का परिवार नहीं हजम कर पा रहा है। कि दिनांक 11 जुलाई 2024 को थाना डकोर जिला जालौन में एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के खुलासे के लिए थाना डकोर पुलिस व स्वैट टीम को लगाया गया था। इस घटना के खुलासे हेतु कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे। उसी कड़ी में एक व्यक्ति हत्यारोपी संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार था, उसको पुलिस पूछताछ कर रही थी मौके पर। पूछताछ के दौरान राजकुमार की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लेकर गई। डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड किया। विधि द्वारा जो निर्देश है उस क्रम में मृतक की वीडियोग्राफी से डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण असर्टेन पाया गया। मृतक के शरीर पर कोई भी ऐसी जाहिरा या अंदरूनी चोट इंजरी नहीं थी जिससे मृत्यु कारित हो सके। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा मृतक का विसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। विधि द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम जालौन द्वारा इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। पूरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की अवधि के लिए स्वैट टीम प्रभारी सत्येंद्र यादव व इंस्पेक्टर डकोर राजेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही थी, इसी बीच तबीयत बिगड़ी। फिर राजकुमार को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन एएसपी असीम चौधरी इन बातों के एवज में परिवार राजकुमार के शरीर पर लगे जख्मों के निशान दिखाता है। मृतक राजकुमार की बहन उमा देवी का क्या आरोप है, आप वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका? राजकुमार उमा देवी। कहाँ से आई हैं और क्या प्रकरण है? इंदिरानगर से आए हैं। क्या यहाँ क्यों आई पोस्टमार्टम? कह रहे भैया खत्म हो गए, पुलिस वाले घर गए थे हमारे। क्या नाम है भैया का? राजकुमार परिहार। आपको तो भगवान दास। अच्छा, तो किस प्रकरण में पकड़ के लाए थे? एक केस हो गया था तो उनको शक में पकड़ ले आए थे पुलिस वाले। अच्छा, तो अब फिर क्या हुआ, फिर आपको क्या सूचना मिली पुलिस से? पुलिस से हमको भी पकड़ ले गए थे। हाँ। हमको भी मारा था, बहू को मारा था हमारी एक छोटी थी। हाँ। फिर उन्होंने हमको कल छोड़ दिया, हम भगे उन्हें वहीं छोड़े आए थे। अच्छा। अच्छे खासे आते थे। हाँ। और आज बोले जाने की तीव्र खत्म, अब बहू के लेवाली आई दुकान लगे की वो खत्म हो गयी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मृतक का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने भी लिखा है, खबरों के मुताबिक यूपी के जालौन जिले में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि उनके मृत्यु पुलिस की पिटाई से हुई। पुलिस का काम आम जनता की सुरक्षा करना है, क्रूरता, जुल्म और हत्या का पर्याय बनना नहीं। यूपी में हिरासत में मौतों के मामले बहुत बढ़ गए हैं, यह जनता के लिए बहुत घातक है। प्रदेश सरकार को इस क्रूर तंत्र पर लगाम लगाकर कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। जालौन के डकोर कोतवाली इलाके में एक युवक की हत्या हुई थी। उस युवक की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई तो मामले में खोजबीन शुरू हुई। हत्याकांड में 5 लोगों के नाम सामने आए, इनमें राजकुमार को भी आरोपी बनाया गया था। अब राजकुमार की मौत के बाद उठ रहे सवालों को जांच के हिस्से दिया गया है। जांच पूरी होगी तो सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। बाकी इस पूरे मामले पर आपको हर अपडेट दी ललन टॉप पर ज़रूर मिलेगा। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी हिमांशु तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।